बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके इंटरनेट पे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम वक्त में। रोज़ाना आप 5 से 10 मिनट 20 मिनट डेडिकेट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये फेक है, झूठ है, एतबार नहीं करते, या वो ऐसे ही डर जाते हैं कि यार इंटरनेट पर कौन से पैसे कमाए जाते हैं, या ये है या वो है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये मैंने पहले ही पेज खोला हुआ है, मैंने सिंपल लिखा है गूगल एडसेंस, ये इस पे मैंने सर्च किया, तो ये अभी हमें बता रहे हैं, खुद गूगल बता रहा है। गूगल एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया पूरी दुनिया में गूगल यूज़ किया जाता है और सर्च किया जाता है, और गूगल्स की इतनी एप्लीकेशन आ चुकी हैं कि आप खुद जानते होंगे। अभी अच्छा देखें, ये वाली पोस्ट आप पढ़ें। Use Google AdSense to make money online by placing ads on your website and YouTube channel. एक ये बात होगी, ठीक है। दूसरा ये देखें, Google AdSense is a program run by Google that allows publisher in the Google network of content sites to serve automatic text, image, video or interactive media advertisement. मतलब के एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आप, Google की एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आप पैसे कमाएंगे। ये देखिए, ये वाली पड़े हैं, पोस्ट किधर गई, ये वाली, इस पर अभी मैं, ये आपको पॉइंटर शो हो रहा है। गूगल एडसेंस प्रोवाइड्स अ वे फॉर वेबसाइट्स ओनर टू अर्न मनी फ्रॉम देयर ऑनलाइन कंटेंट। ये तो थोड़े से ऊपर लेवल की गेम है ना, कि वेबसाइट्स पे कंटेंट डालना और एडवर्टाइजमेंट डालना। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करके आप घर बैठे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपके 2-3 जगह पे अकाउंट्स बनते हैं, फिर आपकी एक एप्लीकेशन बनती है, उसमें अच्छी खासी मेहनत होती है, 2-3 से 4 दिन लगते हैं, 2-3 दिन से 4 दिन लगते हैं आपकी एप्लीकेशन बनने में। उस एप्लीकेशन में आपके अकाउंट्स के अगेंस्ट गूगल्स के एड्स डाले जाते हैं। उन एड्स को जब आपके यूज़र यूज़ करेंगे, देखेंगे, क्लिक्स करेंगे, उनके वेब पेजेस को विज़िट करेंगे, तो उससे आपको अर्निंग होगी। ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपके पास ये एप्लीकेशंस होनी चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपने अपनी, जब आपकी एप्लीकेशन बन के आ जाएगी तो उसको यूज़ कैसे करना है। ये आपकी एप्लीकेशन का आइकन कुछ इस तरह होगा, जैसे ये लिखा है अर्न कैश _ड्रीमर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको VPN सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। ये जो मेरे पास पड़ा है, ये आप आराम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सुपर VPN, 2-3 किस्म के VPN आपने देख लेने हैं। इसके अलावा आपने ये वर्ल्ड क्लॉक है, इसका सहारा लेना है। इसको कैसे यूज़ करना है कि इसमें हमें ये बताता है मुख्तलिफ शहरों के टाइम, तो हमने देखना है कि कहाँ पर अभी सुबह का टाइम है। जैसे देखें, न्यूयॉर्क में सुबह के 6 बज रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को में सुबह के 3 बज रहे हैं, कनाडा में सुबह के 6 बज रहे हैं। तो जहाँ पे सुबह सुबह का टाइम होगा, सुबह के टाइम अमूमन रेट ज़्यादा होता है एड्स दिखाने का, तो आपने उस जगह का VPN कनेक्ट करना है। जैसे कि अभी कनाडा में सुबह के 6 बज रहे हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोकेशन का निशान आ जाए, झंडा सा आ जाएगा, ये आ गया। हम कनाडा में सुबह सुबह का टाइम है, तो कनेक्ट करेंगे कनाडा के साथ। आई ट्रस्ट दिस एप्लीकेशन, ओके। ये हम VPN का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का रेट इंतहाई लो है। पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत कम CPC मिलती है, मतलब एक ऐड पे क्लिक करने से आपको 0.01 0.02 डॉलर्स मिलते हैं जी। आपके यही क्लिक आप अगर अमेरिका से या कनाडा के VPN से करें, तो आपको 0.20 0.50 0.9 और कुछ 1 या 2 डॉलर तक भी आपको एक क्लिक के मिल सकते हैं। ये कनेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने वाली एप्लीकेशन खोल लेनी है। और यहाँ पे ये देखें कि ये हमारी पहली स्क्रीन है, ऊपर लिखा हुआ है ऑटो एड्स व्यू एंड वेट 5 मिनट्स। तो यहाँ पे आपने वेट करना है कुछ मिनट, ये अभी स्पीड बहुत कम है, एड्स ज़रा देर, यहाँ पे खुद ब खुद एड्स आएंगे और वो हर 10 सेकंड के बाद चेंज होंगे। यहाँ पे वेट 5 मिनट क्यों करना है, कि हमने पहले एड्स के व्यूज़ लेने हैं कि हमें इतने व्यूज़ मिल रहे हैं। तो
एक मिनट में तकरीबन आपको 60 व्यूज़ मिलेंगे, तो आप 5 मिनट वेट करेंगे तो 60 × 5 300 व्यूज़ आपको मिल जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट टास्क पे क्लिक करके अगले पेज पे जाएंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये देखें ऑटो एड्स आ गए हैं और ये 10 सेकंड के बाद खुद ही चेंज होंगे। ये देखें अभी ये चेंज होना शुरू हो गए। तो इसी तरह आपने, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसलिए तो ज़्यादा वेट नहीं करता, आपने कम से कम 3 मिनट, 4 मिनट से 5 मिनट तक इस पेज पे ठहरना है। फिर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है, नेक्स्ट टास्क पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके एप्लीकेशन की अगली स्क्रीन इस तरह खुल जाएगी। इसमें आपको ऐड जाएंगे, इसमें अभी आपको दो तरह के ऐड जाएंगे, ये एक छोटे ऐड्स हैं इनको बैनर ऐड्स कहते हैं, और एक फुल स्क्रीन ऐड होते हैं उनको इंटरस्टीशियल ऐड कहते हैं। आपने करना क्या है कि जो जो आपको एड्स एक तरह के शो होंगे तो उनमें एक ऐड पे एक ही दफ़ा क्लिक करना है। जैसे कि अभी इस पूरी स्क्रीन पे 8 ऐड्स आएंगे और 8 ऐड्स ए की कैटेगरी के आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स टुडे इस वाले ना, तो आपने इनमें से सिर्फ एक पे क्लिक करना है और जितनी देर एप्लीकेशन यूज़ करनी है दोबारा इस ऐड पे क्लिक नहीं करना है। ये देखें अभी फुल स्क्रीन एड्स आ रहे हैं, ये तकरीबन एक स्क्रीन पे 4 दफ़ा आते हैं। इसको हम बैक करेंगे, इसको भी बैक किया, इसको भी बैक किया, तो जो अक्सर जो कार्स वाला होता है उसकी सीपीसी ज़्यादा होती है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करना है, असल गेम है अभी यहाँ पे। क्लिक करने के बाद जब इसका पेज खुल जाएगा, इंटरनेट ज़रा स्लो है, माजरत, ये देखें ये जब जिस ऐड पे आपने क्लिक किया है उसके अगेंस्ट जब वेब पेज खुल जाएगा तो आपने उस वेब पेज पे कम से कम 45 सेकंड रुकना है, और अगर आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट रुकते हैं तो वो और भी अच्छा है। रुकना ऐसे है कि सिंपल इसको छोड़ नहीं देना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल अप करना है, इस पेज पे इतने ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है मतलब, तो आपने उन कंटेंट्स को देखना है। और आपको अगर कुछ मिलता है, लिंक कोई मिलता है, जैसे ये चैट विद सेल्स लिखा है तो शायद ये लिंक है, हाँ लिंक ही है, इस पे मैंने क्लिक किया, उस किसी एक का लिंक पे क्लिक कर देना है आपने, उस लिंक पे क्लिक कर देना है, उसको खुलने देना है। मतलब टोटल तकरीबन 2 मिनट बहुत ही अच्छा होता है, सेफ, बहुत सेफ होता है, 2 मिनट आपने एक वेब पेज पे रुकना है। जब 2 मिनट आप एक पेज पे रुक जाएंगे, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है, तो आपने सिंपली यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर दिया फिर आप वापस अपनी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, इन एड्स में से फॉर चले हम इस पर नहीं क्लिक करते, नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं। ये देखें एड्स आना शुरू हो गए, आइए हम अभी नेक्स्ट ऐड पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऐड पे हमने क्लिक किया, इस पर क्लिक कर देते हैं, ये हम नेक्स्ट ऐड पे क्लिक कर दिए। इसी तरह उस पेज को भी खुलने देना है, और हर ऐड जिस जिस ऐड पे आप क्लिक करेंगे आपने एक पेज पे कम से कम 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट रुकना है, और उसके कंटेंट्स को देखना है, विजिट करना है, कोई लिंक मिलता है तो उस पर क्लिक करना है, ताकि गूगल को ये जजमेंट ना हो कि आप जस्ट सिंपल अर्निंग के लिए क्लिक्स कर रहे हैं, आप बाकी एड्स को व्यू कर रहे हैं। उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ मिलती है कि इस पे साइन अप कर दें, इस पे रजिस्टर हो जाएं, इसको सब्सक्राइब कर दें, तो वो भी आप कर दें, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, ये देखें पेज लोड नहीं हुआ। ऐसे कभी अगर पेज लोड नहीं होता तो उसको फ़ौरन बंद नहीं करना है, कोशिश करना है कि वो पेज दोबारा से खुल जाए। ये देखें इस पे कितने कंटेंट हैं, मतलब कितनी इस पे टेक्स्ट डाला हुआ है, कंटेंट्स हैं, लिंक्स हैं। तो आपने इस तरह इस पे जो भी पेज ऐसा खुलेगा उस पे 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट रुकना है, इस तरह थोड़ा पूरा एक पेज को विजिट करने के बाद। जैसे देखिए ये इसका निचला सिरा आ गया,
विजिट करने के बाद किसी एक लिंक पे क्लिक कर देना है, एक से ज़्यादा लिंक्स पे भी कर सकते हैं। मतलब आपने उस पेज को ना 2 मिनट टाइम देना है, ये आपका सेफ क्लिक होगा, नहीं तो इनवैलिड क्लिक काउंट होगा, और इनवैलिड ट्रैफिक से या बार बार ज़्यादा एक ही ऐड पे बार बार क्लिक करने से, ज़्यादा क्लिक्स करने से, इनवैलिड ट्रैफिक बढ़ाने से आपका अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है। नाजरीन, इस तरीके से आपको काम करने से दिन के $4, $5, $6 मिलेंगे, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है और लालच बिल्कुल नहीं करना है, सब्र से काम देना है। ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि काफ़ी होते हैं। अगर एक बंदे की एवरेज अर्निंग $5 चल रही है, तो 5 को 30 से ज़रा दें तो $150, मतलब कि पाकिस्तानी 15,000 से अबव बनते हैं। तो आपने इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन पर काम करना है, और बिल्कुल भी बेसरा नहीं होना, और सुकून से काम करते रहना है। ऐसे रोज़ाना इसको 5 से 10 मिनट आप दें। 1,000 व्यू के अगेंस्ट अगर आप 10 क्लिक्स करते हैं, तो आपका CTR 1% रहेगा, मतलब क्लिक थ्रू रेट, कितने एड्स देखे हैं और कितने क्लिक्स हुए हैं, उसको CTR कहते हैं। वो कम से कम होना चाहिए। आप अपनी अर्निंग हर हफ्ते में चेक भी कर सकते हैं। एक नाज़रीन, आपने बात का बहुत ख्याल रखना है कि जिस फ़ोन से आप अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उस फ़ोन में जिस ईमेल आईडी के अगेंस्ट आपका आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है, आपने उस ईमेल को अपने फ़ोन में किसी भी जगह पे लॉग इन नहीं करना है। अगर आप अपनी अर्निंग चेक करना चाहते हैं, तो आपने किसी और किसी फ्रेंड के फ़ोन में चेक लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। पीसी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप अपनी ईमेल आईडी लॉग इन करके अपनी एडसेंस की अर्निंग चेक कर सकते हैं। अभी आपको एक बात बताता चलूँ, सबसे ज़रूरी जो बात है, अभी आपने जैसे कि आपने 5 मिनट 10 मिनट आपने एप्लीकेशन यूज़ की, आपने 10 क्लिक्स किए, 10 पेजेस व्यू किए, आपने मतलब अच्छा खासा टाइम लगा दिया, 20-25 मिनट आपने अपना काम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सबसे ज़रूरी बात है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जाना है सेटिंग में, ये सबसे ज़रूरी ये बात है। हर दफ़ा जब भी आप एक VPN से कनेक्ट करके आप अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, सेटिंग में जाके सबसे पहले आपने जाना है गूगल एड्स और रीसेट एडवर्टाइजमेंट आईडी। इसको आपने, बल्कि उससे पहले आपने अपने VPN को डिसकनेक्ट करना है, ये डिसकनेक्ट हो गया। इसके बाद आपने अपना इंटरनेट ऑफ करना है, इसके बाद आपने रीसेट, ये अभी देखें इसके लास्ट पे आ रहा है 611, अभी मैं इसको रीसेट करूँगा, ओके करूँगा तो ये 732 आ गया। इस तरह आपने इसको रीसेट करना है। फिर क्या करना है, फिर जो जो एप्लीकेशन आपने यूज़ की है, यूसी ब्राउज़र मेरा यूज़ हुआ है इसको बंद करते हैं, ये अर्न कैश वाली एप्लीकेशन यूज़ हुई है इसको बंद करते हैं, सुपर VPN यूज़ हुई है इसको बंद करते हैं, उस एप्लीकेशन का आपने सेटिंग में जाके डाटा क्लियर करना है, ताकि आप जब दोबारा यूज़ करें तो आप ऐसा लगे कि आप एक कोई नया यूज़र है, कोई नए सिरे से कोई इसको यूज़ कर रहा है। ये देखें हमने ये एप्लीकेशन यूज़ की है, हम इसका अभी ये देखें डाटा में 8.99 MB शो कर रहा है, हम इसको क्लियर डाटा करेंगे तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया। इसके बाद यूसी ब्राउज़र हमारा यूज़ हुआ है, ये देखें इसका डाटा भी 3.6 MB शो कर रहा है, इसको क्लियर डाटा करेंगे ये भी ज़ीरो हो गया। इसके बाद हमने सुपर VPN यूज़ किया है, इसका हम क्लियर डाटा करेंगे। ये नाज़रीन सिंपल सी इतनी सी गेम है, आपने VPN से कनेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, और यूज़ करने के बाद इंटरनेट ऑफ करके सेटिंग्स में इस तरह तमाम एप्लीकेशन का डाटा क्लियर करना है, और एडवर्टाइजमेंट आईडी को रीसेट करना है। ये एक बहुत ही ट्रिक है वर्ल्ड क्लॉक वाली, कि आप देख सकते हैं कि किस मुल्क में इस वक्त सबसे कम टाइम है। आप वहाँ पे सुबह के टाइम CPC बहुत, जब दिन शुरू होता है रात के 12 बजे के बाद CPC बहुत हाई होती है। ये देखें कनाडा में सुबह के 6 हुए हैं, न्यूयॉर्क में 6 हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को में सबसे कम टाइम है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए मैंने कनेक्ट नहीं किया, 3:35 हुए हैं। इसी तरह जो जो VPN में आपको ये शो करता है, आप वो वाले सिटीज़ ऐड कर लें, और टाइम देख के आप इस तरह अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। हाज़िर, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।